अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, वालेकुम सलाम। आप अकेले आए? आप तो मिर्जा साहब को लेने गए थे ना? पीर साहब तो अभी अभी गए, मैं छोड़ के आया उनको दरवाजे पे। क्या अशरफ भाई, मुझसे क्यों नहीं मिलवाया आपने? राशिद ने भेजा तो था बुलाने। निमरा तो मुझे बुलाने नहीं आई। शायद मैं सो रही थी। लेकिन निमरा को मुझे जगा देना चाहिए था, ये पीर साहब से मिल लेती। खैर, जो होना था वो तो हो गया। ये बताएं, क्या कहा है पीर साहब ने? उनके हिसाब में बहुत कुछ आया है। कह रहे थे कि राशिद पर बहुत सख्त काले जादू का असर है। हाय, मैं मर गई। काला जादू मेरे बच्चे पर? और क्या बताया उन्होंने? वो कह रहे थे कि राशिद का इलाज इस घर में नहीं हो सकता। अगर उसका इलाज कराना है तो राशिद को इस घर से शिफ्ट करना होगा। और क्या बताया पीर साहब ने? पीर साहब ने जाते जाते एक बात कही है जो मुझे समझ में नहीं आई। कौन सी बात? वो कह रहे थे कि इस घर की छांव ने बच्चे को जलाकर रख दिया है। मुझे तो इस बात का मतलब समझ में नहीं आया। मतलब तो मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा अशरफ भाई। अच्छा, मैं चलता हूँ, वो स्टोर पहुंचना है, सुबह से गया ही नहीं, लेट हो रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जारा भी आपका सच जान गई थी ना वो मानी, इसीलिए आपने अमल करके उसकी जुबान बंद कर दी। चले जारा तो गैर थी, लेकिन राशिद वो तो आपकी अपनी औलाद है ना वो मानी। अपनी औलाद के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? कैसी माँ है आप? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, सारा और राशिद के साथ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम मुझसे जैसे चाहे कसम ले सकती हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने एक दफा पहले झूठी कसम उठाई थी। ना तो मुझे आप पे यकीन है और ना ही आपकी कसमों पे। अरे, आपकी वजह से आपके बेटे की जान खतरे में है। कल मेरा समधी जिद करके किसी नूरी बाबा को घर ला रहा है उसके इलाज के लिए। बताने देना उसको, वरना तेरी पोल खुल जाएगी, पकड़ी जाएगी। मैं अगर उस नूरी इल्म वाले को रोकती हूँ तो सब यही समझेंगे कि मैं अपने बेटे का इलाज नहीं करवाना चाहती। सब जानता हूँ मैं। इस वक्त तेरे आगे गहरी खाई और पीछे अंधेरा कुआं है, लेकिन अगर तू बचना चाहती है तो कुछ भी हो जाए उसके सामने मत आना, क्योंकि अगर तू उसके सामने आई तो वो तुझे पहचान लेगा, फिर तेरी असलियत छुपाए नहीं छुप सकेगी। कर भला हो भला।